हेलो दोस्तों, टैक्स और वेल्थ में आपका स्वागत है। मैं हिमांशु कुमार। आज के दिन भर की फाइनेंशियल न्यूज़, लेकिन उसके पहले एक बहुत ही दुखद न्यूज़ है जो कि बिजनेस से तो रिलेटेड नहीं है लेकिन मेरे और आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। हमारे एक बहुत ही मशहूर बॉलीवुड के एक्टर इरफान खान, जो कि आज नहीं रहे। एक बहुत ही दुखदाई दिन है हमारे और आपके लिए, जो उनको प्यार करते हैं या जो उनको फॉलो करते हैं, जो उनको मूवी में देखा है, और एक तरह से कह सकते हैं कि एक बहुत ही कनेक्टेड पर्सनालिटी थे इस इंडस्ट्री के। तो आज का दिन बहुत ही अच्छा नहीं है। उनको एक बहुत ही श्रद्धांजलि देने की ज़रूरत है हम सबको मिलके। और कहते हैं कि गम बांटने से घटता है, तो वो आज के डेट में हमारे लिए भी जरूरी है कि हम उस बात को ध्यान रखते हैं और चीज़ों को करें। खैर, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मार्केट और बिजनेस किसी के लिए नहीं रुकता, और कहते हैं कि वो चलता रहता है। तो निफ्टी 172 पॉइंट ऊंचा रहा और सेंसेक्स 605 पॉइंट ऊंचा रहा। आज का अगर आपने शुरुआती अगर ध्यान दिया हो तो बड़ा ही अजीब सा मैट्रिक्स बना हुआ था मॉर्निंग में, कि निफ्टी लगभग 90 पॉइंट ऊपर था और बैंक निफ्टी निगेटिव में थी। तो अजीब तरह की सिचुएशन थी, मार्केट अलग तरह से रिएक्ट कर रहा था। पता नहीं क्या था, हम उस तरह के डेप्थ एनालिसिस नहीं है कि मार्केट के को भी प्रिडिक्ट कर सके, लेकिन अजीब तरह की सिचुएशन बनी हुई थी। लेकिन अंत में कहते हैं अंत भला तो सब भला, यानी कि मार्केट अच्छा रहा और एक तरह से अच्छे उछाल पे जाके बंद हुआ। खैर, इस बीच इंडिया की बात करें तो मूडीज ने फिर से इंडिया की जो ग्रोथ रेटिंग थी 0.2% 2020-21 का प्रेडिक्ट कर दिया। पता नहीं मुझे, मैं तो ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं इनके बातों को काउंटर करता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हम इतने बुरे परफॉर्मर रहेंगे। मुझे लगता है कि हम इससे बहुत अच्छा करेंगे और हम मिलके इस कोरोना वायरस से फाइट भी करेंगे और एक अच्छी इकोनॉमी के को भी देने की कोशिश करेंगे। ये हमारा विश्वास है और मैं मानता हूँ कि हम इससे अच्छा करेंगे। इस साल के अंत में मैं इस वीडियो की क्लिपिंग भी दिखाऊंगा और मैं बताऊंगा कि कैसे इंडिया ने इससे अच्छा प्रिडिक्ट नहीं, इससे अच्छा परफॉर्म किया। हम प्रिडिक्ट नहीं करेंगे, हम परफॉर्म करेंगे। खैर, इधर यूएस की भी हालत बहुत खस्ती है। यूएस ने कहा है कि अगर कोई कंपनी जो फर्म्स हैं जो कि चाइना में एस्टैब्लिश हैं, अगर वो इंडिया मूव करती हैं तो उनको बहुत तरह की बेनिफिट दी जा सकती है। अगर आप हमारे प्रीवियस वीडियो में जाइएगा तो वहाँ पे मैंने बार बार कहा है कि ये जो कोरोना वायरस है इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। बहुत लोगों ने मेरी खिल्ली भी उड़ाई, बहुत लोगों ने कहा कि आप बीजेपी के प्रवक्ता जैसी बातें कर रहे हैं। मैं प्रवक्ता नहीं, मैं फोरकास्ट कर रहा हूँ। एक सिचुएशन, एक सिनारियो बना था, उस पर मेरी प्रिडिक्शन थी और ये उस प्रिडिक्शन का एक छोटा सा हिस्सा भी है। इधर ADB बैंक ने $1.5 बिलियन इंडिया को ग्रांट किया है कि कोरोना वायरस से वो फाइट कर सके, यानी एक तरह का आर्थिक सहयोग है जिससे कि इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दिया है वोडाफोन को, 733 करोड़ का रिफंड उन्होंने ग्रांट किया, जिसकी वजह से आज वोडाफोन का जो शेयर था वो लगभग 5% के आसपास ऊपर रहा, यानी कि एक अच्छी खबर के साथ ही कंपनी में उछाल भी देखा गया। इधर स्पाइस जेट ने कहा है कि वो अपने जो पायलट्स हैं उनको 2 महीने अप्रैल और मई की सैलरी नहीं देंगे। देखिए, ये एक ऐसी चीज़ है कि इस पे कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बिज़नेस चलता है तभी पैसा आता है और पैसा आता है तभी चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। तो बहुत हद तक ये कंपनी का अपना एक पर्सनल डिसीजन है, उस पे कोई कमेंट करना सही बात नहीं है। इधर NTRO ने कहा है कि एक बहुत ही ख़तरनाक समय है साइबर अटैक के लिए, क्योंकि ये जो माहौल है इसमें सारी चीज़ें ऑनलाइन है, उस तरह से चीज़ें चल रही है, तो यहाँ साइबर अटैक का खतरा बहुत ही ज़्यादा है। इधर इंडियन गवर्नमेंट हो सकता है कि जो डिफेंस बजट था उसे 40% तक कम कर दिया जाए, जिससे लगभग 80,000 करोड़ की बचत हो सकती है, क्योंकि देश के भी रिक्वायरमेंट कुछ और है, इसके कारण ये बात कहा जा रहा है। इधर सिडबी ने जितने भी NBFC और जो MFIs थे उनके लोन जो लॉन्ग टर्म था, लोन का टर्म था, उसे 1 साल से बढ़ा दिया है, यानी कि एक तरह की सपोर्ट देने की कोशिश, लिक्विडिटी देने की कोशिश की गई NBFC और MFIs को। तो एक अच्छा, आप कह सकते हैं कि उस तरह से एक अच्छी शुरुआत है। इधर ट्रंप ने कहा है कि मीट प्रोसेसिंग यूनिट US में बंद नहीं होंगे, वो चलते रहेंगे और उनका प्रोडक्शन जारी रहेगा। इसके अलावा भी बहुत ऐसी न्यूज़ है जो कि हमारे और आपके लिए है, लेकिन हम हर चीज़ को कवर कर नहीं सकते। हम वही पॉइंट कवर करने की कोशिश करते हैं जो आपके और हमारे लिए ज़रूरी हो। एक और पॉइंट था कि BSE ने वाइल्ड ट्रेडिंग में निगेटिव इंडेक्स को भी आज से एक्टिवेट कर दिया। उनका कहना है कि वो इसकी टेस्टिंग मंडे से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से इसका जो ट्रेडिंग है हो पाता है। तो
तो आज के लिए इतना ही, और मैं माफ़ी चाहूँगा कुछ वीडियो हम मिस कर गए, कुछ मेरी प्रॉब्लम पर्सनल प्रॉब्लम थी और कुछ परेशानियाँ थी जिसकी वजह से मैं आ नहीं पाया। खैर आज के लिए इतना ही, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ के साथ हम सारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे OTT प्लेटफॉर्म, आप हमें कहीं देख सकते हैं। साथ के साथ आप हमारे ऐप डाउनलोड भी करके देख सकते हैं। थैंक यू।